दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीआरपीसी की धारा 128 क्या है। तो 128 को आगे हम समझते हैं, इससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। दोस्तों जब हम 128 की बात करते हैं तो उससे पहले हम जरा 125 को समझ लेते हैं। 125 ये कहती है कि कोई भी ऐसी महिला जो शादीशुदा है यानी किसी पति की वो पत्नी है तो वो पत्नी और अवयस्क बच्चे और बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की बात करता है कि यदि इनका भरण पोषण वह व्यक्ति नहीं कर रहा है जिसकी वह जिम्मेदारी है तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं धारा 125 के अंतर्गत, जिसमें वो अवयस्क बच्चे शामिल हैं, वो पत्नी शामिल है, बुजुर्ग माता या पिता शामिल हैं, या वो बच्चा शामिल है जो वयस्कता तो प्राप्त कर लिया है लेकिन वो विकलांग है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, और अविवाहित पुत्री यानी वह पुत्री जो जिसकी शादी नहीं हुई है उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पिता की है। अब ये अगर मांग न्यायालय में की गई है और न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया है कि 5,000 या 10,000 या 20,000 या 25,000 आपको ये प्रतिमाह अपने बच्चे या पत्नी या माता पिता के भरण पोषण के लिए देने हैं और वह व्यक्ति उसको देगा, यदि देगा कैसे, जब हम 128 की मांग करते हैं, 128 में मांग करते हैं, 128 का आवेदन करते हैं, 128 के आवेदन में यह है कि कोई अंतरिम भरण पोषण यानी 125 का मुकदमा जब उन्होंने दाखिल किया था उस समय भी अगर कोर्ट ने आर्डर कर दिया कि दौरान मुकदमा आपको यह मेंटेनेंस देना है तो उस अमाउंट को या कोई फाइनल आर्डर हो गया 125 में जजमेंट हो गया तो वो जो जजमेंट हुआ है उसके जो एग्जीक्यूशन कराया जाएगा 128 के अंतर्गत कि आपको ये मेंटेनेंस प्रतिमाह देना है। तो कुल मिला के सीधे समझिए कि 128 में 125 के आर्डर में जो अमाउंट होता है उसी की मांग की जाती है, जिसे हम अपने सरल भाषा में कहें तो इजरावाद कह सकते हैं, इजरा दाखिल किया जाता है कि ये अमाउंट हमें भरण पोषण की व्यक्ति नहीं दे रहा है उसकी मांग की जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि 128 क्या है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, औरों को शेयर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।